एक महीने में ही सड़क का ये हाल हो गया। ठीक है ना, कहीं थोड़ा बहुत 1-2% तो हो जाता है गलती हर किसी से। सरकारी सिस्टम में करप्शन की घुन इस तरह घुस गई है कि जनता के पैसे को अफसर निगल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। ये पूर्ण हुई है और पूर्ण क्या है, इसको अभी इसमें फर्नीचर चल रहा है और इस सड़क का हाल है। योजना के नाम पर लीपा पोती करके अपना कोरम पूरा कर पैसे को हजम कर जाते हैं और हाजमे की गोली खाकर पचा देते हैं। यही तो हमारे देश का सिस्टम और काम करने का तरीका है। जी हाँ, हम सिस्टम को तो केवल कोस रहे हैं, आप तस्वीरें देखेंगे तो गालियाँ देने पर आमदा हो जाएंगे। डामर मिलाया ही नहीं गया, सिर्फ गिट्टी की परत बिछा दी गई। और यही वजह है कि पहली बारिश अभी जो हुई है, जो चल रही है बारिश, एक महीने में ही सड़क का ये हाल हो गया। अगर आप थोड़ा जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर लूट मचाई गई है। एक महीने पहले ही ये पूर्ण हुई है और पूर्ण क्या है, इसको अभी इसमें फर्नीचर चल रहा है और इस सड़क का हाल देखिए। ये बिल्कुल शुरुआत है सड़क की और ये 50 मीटर भी नहीं है और ये सड़क ये पुल के पास पूरी तरह से दब गई है, धस चुकी है। ग्रामीण लगातार बोल रहे थे कि सड़क बहुत खराब बनी है और हाथ से निकल रही है। हमने ही बोला, आप ये देखिए ये हाथ से जो है, जो ग्रामीण कह रहे थे कि सड़क पूरी बाहर आ जाती है, ये देखिए सिर्फ हाथ से ही जो है ये सड़क पूरी तरह से ये इस तरह से बाहर आ रही है। और लगातार गाँव वाले कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो सड़क है ये ऐसे हाथ से बाहर आ जा रही है। नीचे बेस के नाम पे कुछ भी नहीं है, देखिए ये गिट्टी होती है इसके नीचे बेस पे, यहाँ गिट्टी बिल्कुल नहीं है बेस पे। और ये शिकायत लगातार ग्रामीण कर रहे थे कि ये सड़क पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और वाकई एक महीने पहले बनी इस सड़क का ये हाल बताता है कि किस तरह इस सड़क पे भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं जब इस पर हमारे रिपोर्टर ने इन सड़कों को पास करने वाले इंजीनियर से पूछताछ की तो आप सुनिए, इंजीनियर साहब हमारे ईमानदार और बहादुर रिपोर्टर को खरीदने की कोशिश करने लगे। तो मैं ठीक है ना महोदय, आप समझ रहे हो सब चीज़ को। क्यों ठीक है ना, कहीं थोड़ा बहुत 1-2% तो हो जाता है गलती हर किसी से, उसमें ऐसा तो है नहीं कि 100% में कोई इंसान से गलती होती है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप चाहते क्या हो भाई, सीधे सीधे ये बताओ मेरे को। ये सब चीज़ें तो है ना, अब उससे ज़्यादा आपको और क्या पूछूंगा मैं। वीडियो ले लिए, वो ले लिए, सब ठीक है, सब तो होते ही रहता है कहीं ना कहीं कुछ। बहरहाल आप देखिए हमारे रिपोर्टर भौजेंद्र वर्मा ने किस तरह से सिस्टम की पोल खोल दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का सड़क, जिसको प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम दिया गया था, वो सड़क अब पानी में बहते नजर आ रहा है। ये हाल है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रताप एरिया के, वहाँ आप सड़क देख सकते हैं कि ये सड़क बने महज 1-2 महीने हुए हैं, लेकिन ये सड़क से गिट्टी अलग निकल रही है, साथ ही उसका बेस दिख रहा है। ये सड़क है भानुप्रतापुर इलाके का बगवाही का। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं जो हमारे साथ आए, जब हम ये खबर कर रहे थे तो वो बताएं कि सड़क बने महज 2-3 महीने हुए लेकिन अभी सुखड़ नहीं, क्या कारण है इसका? आप लोग कंप्लेन किए थे जिस टाइम सड़क बन रही थी? जी, ये पूरा ग्रामीण मिलके किए थे ठेकेदार से। यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी तो आते नहीं देखे हम, पर ठेकेदार से बात किए थे। तो ठेकेदार क्या कहता था उस वक्त जब आप बात करते थे, बोलते थे कि सड़क ठीक से बन नहीं रहा है, तो उस वक्त ठेकेदार क्या कहता था आप लोगों से? हमें कहते थे वो कि जो बन रहा है सही बन रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी है, ऐसे बोल रहे थे। जब ये बरसात के बाद जब सड़क बहने लग गई, गिट्टी दिखने लग गया, उसके बाद आप कंप्लेन किया क्या, अधिकारियों से मिले? उसके बाद ठेकेदार यहाँ नहीं आया है।
अच्छा, और भी कुछ ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं कि सड़क ऐसा बना है और क्या क्या कंप्लेन किए उन्होंने, आपको क्या लगता है सड़क कितने दिन और चल जाएगा? ये मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना और चलेगा। अगर बारिश कंटिन्यू अगर हो जाए तो 15 दिन में साफ हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये सड़क जो लाइफ टाइम चलने वाली सड़क एक बार बनाया जाता है, वो 15 से 20 दिन और चल सकती है आपके? हाँ, बारिश आ जाए। नहीं, ये तो निर्माण जो हुआ है बिल्कुल घटिया निर्माण हुआ है, ये तो दिख ही रहा है स्पष्ट। हम लोग पहले से ही बोल रहे थे उनको कि देखो भाई अच्छा से बनाओ, कोई प्रकार से शिकायत के मौका मत दो, लेकिन ये लोग माने नहीं ना, अपने हिसाब से बना दिए। ये तो पूरा रात में डामरीकरण किए हैं लोग, काम को प्रोग्रेस देने के चक्कर में। चोरी, जैसे चोर काम करता है उसी तरीके से रात के अंधेरे पर ये पूरा काम किया गया है। रोलिंग भी ढंग से हुआ ही नहीं, एक बार या दो बार हुआ है रोलिंग। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे प्रशासन के साथ साथ ठेकेदार लोग भी मिले हुए थे, जिसके चलते ऐसा घटिया सड़क निर्माण किया गया। जी हाँ, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, आप सड़क को देख सकते हैं बारीकी से, कि जो गिट्टियां हैं वो बाहर निकल रही है। और इस सड़क में यही नहीं, पूरे सड़क में यही हाल है। ये सड़क लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क है और करीब 2 करोड़ का टेंडर पास हुआ था इस सड़क में, लेकिन ये पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। ये हालात पूरे छत्तीसगढ़ में व्याप्त है, और ये खासकर जो भानुप्रतापपुर का रेंज है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का रेंज आता है, वहाँ पे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा, भानुप्रतापपुर। न्यूज़ डेस्क।